दोस्तों, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी सुबह का 7 बज रहा और कल पटना से आए थे तो राखी देना था किसी को, तो दे नहीं पाए। तो उसका रूट तुरंत दूसरा रूट था तो बोला सुबह लेंगे, तो इसलिए अभी राखी देने जा रहे हैं। ये देखिए, देते फिर मिलते आप। राखी दे के तो आ गए दोस्तों, आया था तो राखी दे दिए और अब घर आ गए थे। अब जा रहे हॉस्पिटल क्योंकि रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट लेके आते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं फिर ट्रेन में टिकट बनाएंगे। देखते हैं, बुलाया है 10 बजे बुलाएगा, 10 बजे खुलता ही है, बुलाएगा कौन, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो अभी जा रहे हैं रिपोर्ट लेने और रिपोर्ट लेके आते हैं, तब तक फिर मिलते हैं, फिर नाश्ता पानी करेंगे। सो गाइस, आ गए हैं हॉस्पिटल, IGIMS हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, रिपोर्ट लेने के लिए। तो अभी डॉक्टर आया नहीं है क्योंकि आज रक्षाबंधन है और 10:30 बज रहा, बोल रहा पता नहीं आज आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है। तो देखते क्या होता है, तब तक हम घर जा रहे हैं, सब्जी उब्जी लेके जाना है, पर्ची लिख के दिए हैं, पनीर उनीर लेके जाना है क्योंकि पनीर उनीर बनेगा, तो देखते क्या होता है। सो गाइस, आए थे हॉस्पिटल तो रिपोर्ट मिला नहीं क्योंकि रक्षाबंधन है आज, तो आज डॉक्टर साहब आए नहीं, छुट्टी पे हैं, तो कोई बात नहीं। तो आने समय बोले पनीर लिया, पनीर का कुछ आइटम बनने वाला है तो लेके आए हैं 2 पीस। देखिए 2 पैकेट इसमें पीस पीस कटा हुआ ही, देखिए। अब देखते हैं क्या बनता है पनीर का, तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं, दूध है, चाय बनाते हैं। आइए, बंद है और रोटी। अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता में देख सकते क्या है, ये चाय है। आइए, ब्रेड और अंदर मक्खन है। और चाय, वाह। और नाश्ता उश्ता खाने के बाद जाना है मेडिकल दुकान दवा लाने के लिए, तो पहले खा लेते हैं फिर जाएंगे दवा लाने के लिए। सो गाइस, अब जा रहे खाना खाने, और खाना में आज बहुत ही स्पेशल चीज़ बना है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये वेज पुलाव है, इसमें गाजर है, बीन है, और जाके शिमला मिर्च है, मटर छेमी है, बहुत चीज़ है। और ये आपका जाकर क्या बोलते हैं, पनीर चिल्ली, पता नहीं क्या नाम है, क्या बोलते इसको पता नहीं। इसमें भी हरी मिर्च है, पनीर है, प्याज है, बीन है, शिमला मिर्च है, सब है। वेज पुलाव हर चीज़ मिला हुआ है, मटर के जाकर पनीर, इसीलिए हमसे जब हॉस्पिटल गए तो बोले पनीर ले के आना, बाकी सब सब्जी फ्रिज में था, बोले पता ही नहीं था, एक नंबर चीज़ बना। पटना आते तो एक से एक चीज़ खाते, आपको हर बार आए, हर बार दिखा भी रहे, और आज लौटना भी है, 5:30 बजे ट्रेन है, तो 5:30 बजे जाएंगे घर, क्योंकि अभी 3 बज रहा है, तो 5:30 बजे ट्रेन है, तो खा पी के जाते निकलते हैं, और फिर झाझा में मुलाकात होगी आपसे। जा रहे हैं झाझा, 5:30 बजे ट्रेन है, तो 4:30 बजने वाला है, 4:15 हो गया है, तो उसके बाद मिलते फिर झाझा में। और ठीक है, आइए। ट्रेन में बैठ गए हैं और 5 होने वाला
अब ट्रेन खुलने वाली है, तो खुलने वाली है 2-3 मिनट। पटना से आ गए हैं और अभी जस्ट आए हैं, और अभी टाइम हो रहा आपका जा करके 9:45 या 10 बज रहा, दिखाते एक मिनट टाइम दिखा के हर काम करते आप लोग। ये देखिए टाइम 10 बज गया, और ट्रेन में चाय पिए थे तो हम बताए थे ना, ट्रेन में चाय पिए थे तो मज़ा नहीं आया, इसलिए अभी खुद चाय बनाए हैं और पी रहे हैं। देख कलर क्या कलर है, और उसमें फिर पानी उनी मिला दे, क्या मिला दे, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने हाथ का चाय पी लिए। अब रात चंगा कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, मज़े में। और अब तो घर पहुंच गए हैं, अब खाना वाना खाएंगे, चाय वाय पीने के बाद आधा एक घंटा बाद खाना खाएंगे, उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है, तो आज का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। अब खाना में क्या बना है पता नहीं, क्योंकि दोपहर में तो अच्छा चीज खाएं तो आपको दिखाएं भी कि था क्या था, पुलाव था, मतलब क्या बिरयानी था, क्या बिरयानी, माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो वेज बिरयानी था या वेज पुलाव बोली, जो भी बोली, और पनीर मसाला सब्जी कितना मस्त था, दिखाए थे ना आपको। और अब रात को क्या दिखाएं, अब चाय वाय पी के अब आधा एक घंटा बाद खाना खाएंगे, अब मोबाइल भी चार्ज हो रहा, मोबाइल भी चार्ज में लगाना है, तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और ब्लॉग को भी यहीं कंप्लीट करते हैं। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपका होस्ट, आपका दोस्त ब्लैक बॉय कल्लू। मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्योंकि क्या कर दीजिए प्लीज़ कर दीजिए। और बस खुश रहे, परिवार के साथ रहे। अब देखे भी लोगों का हम हेल्प करते हैं, ये राखी ले गए पटना, पटना से कुछ सामान दिया था वो भी लेके जाके स्टेशन में आए थे, दे दिए थे, तो लोगों का हेल्प करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, तो आप लोग भी हेल्प करिए। हेल्प करने से जो खुशी मिलती है ना, पूछिए मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे, छे मत। इसलिए जहाँ तक हो कर दीजिए, और नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू गाइस बाय।